किसी का नाम है, एंड वॉकिंग फॉर हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट। इनफैक्ट क्यों मैं आज आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ, बिकॉज ये कोई नई चीज़ नहीं है। इनफैक्ट काफ़ी लोग, हम लोग बात करते रहते हैं कि लाइफ में हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इफ़ हेल्थ इज़ देयर देन ओनली वेल्थ इज़ गोइंग टू कम एंड अदर हैप्पीनेस विल कम। बट इशू ये है कि हम लोग वॉक जब करते हैं या अपने सेहत के बारे में बात करते हैं तो हम लोग कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करते, और ये कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम ना ओनली हमारे हेल्थ से जुड़ी है बट हर एक चीज़ से जुड़ी है। अगर आप कभी नोटिस करेंगे, कभी भी आप अगर एक कंसिस्टेंसी को फॉलो करते हैं, लगातार एक चीज़ को कंटिन्यू करते हैं, तो आप उसमें सफलता पाते हैं। एंड दैट इज़ द ओनली रीज़न, इफ़ यू फॉलो द सेम थिंग इन योर वॉकिंग योर हेल्थ यू विल इम्प्रूव योर सेल्फ। एंड मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूँ, बिकॉज पहले मुझे भी लगता था कि मॉर्निंग में उठना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, और वो जो एक मूवमेंट होता है, करूँ उठूँ ना उठूँ उठूँ ना उठूँ, अगर उसी में आप जीत जाते हैं तो शायद आप पहला स्टेप पार कर लेते हैं अपनी सक्सेस का। फ्रॉम लास्ट 2.5 ईयर्स आई एम कंटिन्यूसली वॉकिंग, आई एम टेकिंग केयर ऑफ माई हेल्थ, एंड यू वॉन्ट बिलीव कि मैंने 1 करोड़ से ऊपर स्टेप अभी तक कर चुका हूँ, और 8,020 किलोमीटर में अभी तक चल चुका हूँ। ये डेटा आई गेट फ्रॉम वन ऑफ द ऐप विच वी आई फॉलो एंड मेंटेन। So my request to everyone is that if you want to really get success in your life, maintain the consistency, and if your health is not there, you won't be able to do anything. Thanks for joining Chain of Life.